नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिटी पैलेस जयपुर के इतिहास के बारे में। जी हां, इस महल का निर्माण आमेर पर सन 1699 से 1744 तक राज करने वाला महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण सन 1729 में आरम्भ हुआ और 1732 में बनकर तैयार हो गया था। यहाँ पर कछवाहा राजपूत वंश के जयपुर के महाराजा का सिंहासन भी है। तो चलिए आज हम सिटी पैलेस जयपुर के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जानेंगे। इस अद्भुत महल को मुगल शिल्प शास्त्र और यूरोपीय वास्तुकला से मिलकर बनाया गया है, जिसे बनने में कुल 3 वर्ष का समय लगा था। इस महल का निर्माण लाल और गुलाबी सैंडस्टोन के पत्थरों से किया गया है, जिन पर की गई बारीक कटाई और दीवारों पर बनाई गई अद्भुत चित्रकारी देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। इस आकर्षक इमारत में 2 मुख्य महल है, चंद्र महल और मुबारक महल। इस महल के अंदर जाने के लिए 3 मुख्य प्रवेश द्वार है, वीरेंद्र पोल, उदयपोल और त्रिपोलीय गेट। इस महल में पर्यटक केवल उदयपोल और वीरेंद्र पोल गेट से प्रवेश ले सकते हैं, जबकि त्रिपोलीय गेट से केवल शाही परिवार के सदस्यों को ही अंदर जाने की अनुमति है। इस महल में प्रीतम निवास चेक, दीवाने आम, दीवाने खास, भागी खाना, महारानी महल और गोविंद देव जी मंदिर, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, मुख्य आकर्षण के केंद्र है। 2 चांदी के मर्तबान सिटी पैलेस के मुख्य आकर्षण हैं, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया में सबसे बड़े चांदी मर्तबान के रूप में अपना स्थान बनाया है। इस महल को वर्तमान समय में जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय को समर्पित करके एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें बनारसी साड़ियों और पश्मीना सोल के साथ कई प्राचीन शाही पोशाकों का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ के संग्रहालय में हाथी दांत, तलवारें, चैन, हथियार, बंदूक, पिस्टल, तोपे, पॉइजन टिप वाले ब्लेड और गन पाउडर के पाउच भी प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। पर्यटकों के लिए सिटी पैलेस सप्ताह के सभी दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इस महल में भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क 75 रुपये और विदेशियों के लिए 300 रुपये है और बच्चों के लिए केवल 40 रुपये है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए अतिरिक्त शुल्क यहाँ पर देना पड़ता है। हर दिन शाम को 7:30 बजे महल में लाइट और साउंड शो का आयोजन भी किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।